अभी दोस्तों का पुशअप भैया चैलेंज चल रहा है, तो वो दिखाते हैं आपको। कंग्रेचुलेशन। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह तकरीबन 5 बजे उठा था मैं, और सुबह व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग बनाने का। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और फरहान ने मुझे बोला कि आज खाना बाहर से खाते हैं। इसने खाना खाया है अभी अभी, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि बाहर से खाना खाएंगे। नहीं यार, मैंने नहीं खाया है खाना। झूठ बोल रहा है। मैंने खाना खाया ही नहीं है, तुम तो थे ही नहीं। दो रोटियां खा के आया है और अभी दोबारा से बोल रहा है कि बाहर से खाना खाएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम होटल पे, अगर उधर खा सके तो उधर खाएंगे होटल पे, नहीं तो पार्सल करवा के आएंगे और यहाँ पे खाएंगे। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शाम को मेरे दोस्त भी आएंगे, उनके साथ थोड़ी सी टिकटॉक वीडियो भी बनानी है। वो आएंगे तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल होटल पे चलते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चल आए घर से बाहर, फरहान गाड़ी चला रहा है, तो अभी होटल पे मिलते हैं। अभी बन रही है वाइट, थोड़ा टाइम लगेगा। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत। सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा जब हमारी रेसिपी पकेगी, लेकिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि आग जल रही थी, इतनी गर्मी थी कि मैं वीडियो नहीं बना सका। फरहान उतार रहा है बर्तन में, तो वाइट करवाई है। फरहान बोल रहा था कि कोई और सब्जी लेते, मैंने कहा नहीं, आज तो वाइट ही खानी है। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और खा के आपको बताते हैं कि हमारी जो वाइट है वो कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह रहीम। मैं घर से खाना नहीं खा के निकला था और इसने घर पे भी खाना खाया था, लेकिन अभी तक खा रहा है और मैंने फिनिश कर दिया। ये मोटा अभी तक खा रहा है। ये देखो प्लेट काली की, ये देखो ये आखिरी हड्डियां भी नहीं। ये मैंने थोड़ी सी निकाली थी और इसने देखो अभी तक खा रहा है यार। वो तो तुम वीडियो बनाता था, कुछ लोगों को पता चलता ना, वीडियो बनाता था लोगों को पता चलता। क्या पता चलता लोगों को? ये झूठ बोल रहा है। मैंने एक रोटी खाई है, उसने चार रोटियां खाई है, मतलब देख रहे हो। तो अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। दोस्त ने मैसेज किया था कि शाम मिलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल अभी अभी पहुंचा हूं दोस्तों के पास। दोस्त पीछे टिकटॉक बना रहे हैं और इन्होंने देखो क्या काम किया हुआ है, ये सारा बंद किया हुआ है और मुझे बोला है कि ये खोल के फिर अंदर आओ। तो बस क्या करें, अभी खोलना है तो ये खोलेंगे, अंदर जाएंगे उसके बाद फिर बंद करना भी है। तो अभी दोस्त ना सारे ही मसरूफ़ हैं, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है। काफ़ी टिकटॉक वीडियो बनाने के बाद ये है जी हमारे दोस्तों का हाल। ये वीडियो तो बनाई है बहुत सारी, बना बना के अब थक गए हैं, तो ये हाल हो गया हमारे। तो पैसे लगे हैं गर्मी में वीडियो के, पर कोई वीडियो अच्छी नहीं बनी। ये हाल देख रहे हैं, अभी बंदे हमारे लगे पड़े हैं, सो जाए इनको दिखा दें कि कैसे लगे पड़े हैं सारे। तो ये सारे जो है ना टिकटॉकर हैं, एक ब्लॉगर है वो आगे कहीं वीडियो बना रहा है। तो यार अभी जो खैरपुर का फ़िलहाल जो चल रहा है, काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है, तो अभी आपको उससे मिलाएंगे। तो ये जी ये अपना इंट्रो खुद करेंगे। कैसे हैं सब? होप सो आप सब ठीक हो गए। मुझे जानते हैं ये बताएं पहले कमेंट में, ये बताना अगर मुझे जानते हैं तो मेरा नाम लिख दीजिएगा। यार ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कसम खुदा की
इसकी मैंने एडिटिंग लेवल देखी ना, वो मतलब परफेक्ट है। बाकी थोड़ी मिस्टेक होती हैं यार ब्लॉगिंग में, वो सीख जाएगा बंदा। बंदा जब काम शुरू करता है ना, पहले मिस्टेक होती हैं। पहले भाई मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे ना, आप हंस हंस के थक जाओगे, लेकिन स्लो स्लो बंदा सीख जाता है। सो इनको जितना हो सके आप इनको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर मुझे जानते हैं तो मेरी वजह से कर दीजिएगा। अल्लाह, थैंक यू सो मच हनान भाई। तो ये थे हनान भाई, काफ़ी लोग हनान भाई को जानते होंगे, माशाल्लाह से काफ़ी टिकटॉक पे भी फॉलोवर हैं इनके और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर हैं। तो बाकी सबसे भी आपको मिलाएंगे अभी से बात कर भाई। वो हनान था और ये कुछ टिकटॉकर हैं जो टिकटॉक बना रहे हैं। फरहान मुगल पहले हमारी वीडियो में आ चुका है, ये मेरा दोस्त है जो साथ जिम करता था, और ये हेलो गाइस यूथ में था मेरे साथ। नाम क्या नाम है? छोड़ो यार बेस्ती करवा दी मुफ्त। शारिक सिंध यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और फरहान मुगल साहब ये लगता ऐसे है लेकिन प्रेसिडेंट है सिंध यूथ ऑर्गेनाइजेशन का। नहीं क्यों लगता ऐसे है? अभी दोस्तों का पुशअप चैलेंज चल रहा है तो वो दिखाते हैं आपको। लेकिन मैं हार गया और जो अभी जिम कर रहा है वो जीत गया। ये जहाँ पे टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं उसका थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ मैं आपको। काफ़ी बर्ड्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं, ये देखो खैरपुर डिफेंस सिटी जहाँ पे हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं। ये सारे डक्स रखी हुई हैं और इनका शेड माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और इस साइड पर सारे हमारे टिकटॉकर,